My dear viewers, assalamu alaikum. Hope you all are doing well. Welcome to my channel Learn and Earn. Today my topic is MS Office Word 2016 Complete Course. जी, जैसा कि आजकल मैं आप लोगों को वर्ड को ऑपरेट करना सिखा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो समझ भी आता होगा, और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बिना झिझक। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को कमेंट्स पढ़ के और आप लोगों को गाइड करके, तो आप लोग मुझसे पूछा करें और जो भी आपने मुझसे पूछना हुआ करें, आप कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे बताया करें। तो आज हमारा लेक्चर है लेआउट। जी, इससे पहले मैं आपको होम इंसर्ट डिज़ाइन सिखा चुकी हूँ, ठीक है। आज मेरा हमारा लेक्चर है लेआउट, लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैं ये कहूँगी कि आप लोग अपने सामने पेन और कॉपी ज़रूर रखा करें ताकि आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहें और मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल करते रहें। और एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर प्रेस करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इनसे फ़ायदा हासिल करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, और मेरे चैनल का नाम है लर्न एंड अर्न। तो चलिए, आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर, तो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको फाइल के अलावा बाकी होम इंसर्ट डिज़ाइन सिखा दिया था। आज हम लेआउट पे आते हैं अपने। ये देखें, जब मैं लेआउट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो नीचे आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। ये हमारा लेआउट है, ये देखें, ये लेआउट है। इसके बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये मुख्तलिफ नीचे हमारे पास ऑप्शंस ओपन हुए हुए हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे हमारे पास आता है मार्जिन, ये देखें, सबसे फर्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो मार्जिन है, ये देखें। देन हमारे पास ओरिएंटेशन है, फिर साइज है, फिर कॉलम है। चलिए सबसे पहले मार्जिन को देखते हैं। मार्जिन के ऊपर जब मैंने लेफ़्ट क्लिक किया तो ये देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस खुल गए इधर। यहाँ से आप अपना मार्जिन चेंज कर सकते हैं, पेज का कोई भी मार्जिन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें, यहाँ पे मुख्तलिफ मार्जिन हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग अगर मैं कर दूँगी तो जो मेरे पहले पेज की सेटिंग हुई भी थी वो इसके ऊपर आ जाएगी। उसके बाद नॉर्मल है, नैरो है, अभी नैरो सेलेक्ट हुई हुई है, फिर मॉडरेट है। तो चलिए हम अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए, जब मैंने नैरो किया तो पेज का साइज जो है वो नैरो हो गया। देन मॉडरेट करूँगी तो ये देखें साइज चेंज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ओरिएंटेशन की, ये देखें, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो ये देखें आगे हमारे पास दो ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, ठीक है। ये देखें, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब ये क्या होती है, अक्सर आपने मोबाइल फ़ोन्स में देखा होगा ऑप्शन होती है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। जब आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो ज़्यादातर वीडियोस जो इंफॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं और थोड़ी सी लॉन्ग होती हैं वो आप लैंडस्केप में देखते हैं, क्योंकि उसके अंदर व्यू बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर भी लैंडस्केप में जब मैं क्लिक करूँगी, ये देखें, जब मैंने यहाँ पर लैंडस्केप पर क्लिक किया तो ये देखें हमारा पेज कैसा हो गया, लैंडस्केप फॉर्म में आ गया। उसके बाद जब मैं पोर्ट्रेट करूँगी तो दोबारा हमारा पेज पोर्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। देन आती है ऑप्शन साइज़ की, यहाँ से आप साइज़ पेज का चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर यूज़ जो होता है वो A4 साइज़ यूज़ होता है, क्योंकि जो आपका प्रिंट पेज होता है जहाँ जिस पर आप डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं वो A4 होता है। लीगल भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ होता है। लीगल और A4 में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, तो आप लीगल भी यूज़ कर सकते हैं और A4 भी यूज़ कर सकते हैं पेज के लिए। चलिए आइए अप्लाई करते हैं। ये देखिए, जब मैंने यहाँ पर साइज़ किया लीगल तो वो देखिए यहाँ से साइज़ चेंज हो रहा है हमारा। लेटर किया तो ऐसा हो गया, स्टेटमेंट किया तो स्टेटमेंट की फॉर्म में आ जाएगा। देन हमारे पास ऑप्शन आती है कॉलम्स की। जी, ये क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कॉलम्स हमारे अपने टेक्स्ट को, अपने पैराग्राफ को
जो आपने टाइप किया हुआ था, जो डॉक्यूमेंट होता है उसको पूरे 2 या 3 जितने भी कॉलम्स आप डिवाइड करना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आगे हमारे पास ऑप्शन आ गई आपने कितने कॉलम्स में इसको डिवाइड करना है। ये देखें, ये देखें, उधर इधर ऑप्शन है 1, 2, 3 लेफ्ट राइट। आप 3 से ज़्यादा भी यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं कॉलम की। फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे जाके, ये आपको नीचे नज़र आ जाएगा मोर कॉलम्स, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मोर कॉलम्स। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको देखें आगे ऑप्शंस खुल गए। ये देखें यहाँ पे ऑप्शन खुल गए कि आपने कौन से कॉलम्स में सिलेक्ट करना है। आप यहाँ से और कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम आप देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें अभी नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे 1 है। आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हैं, ये जो आपको साइन बटन नज़र आ रहा है एरो का, ये देखें जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 कर देती हूँ, देन ओके करूँगी तो वो देखें हमारा जो कॉलम है वो 4 में डिवाइड हो गए हैं। देन आती है ब्रेक्स की बारी। अब ये ब्रेक्स क्या होते हैं हम देखते हैं। ये देखें यहाँ पे ये ब्रेक्स की ऑप्शन होती है। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास नीचे मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो गई हैं, ठीक है। ये देखें सबसे पहली ऑप्शन है पेज। अब वहाँ पे नीचे आपको स्टेटमेंट भी नज़र आ जाएगी, अगर आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो अब मैं जब पेज के ऊपर क्लिक करूँगी, ये यूजुअली जो है पेज को ब्रेक करने के लिए, यानी आपके टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए, जो आपने लिखा हुआ होता है उसको ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको पैराग्राफ फॉर्म में पहले ले आती हूँ। ये देखें हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ फॉर्म में आ गया। अब मैं चाहती हूँ कि मैंने यहाँ से प्रोग्राम से ऑनवर्ड यहाँ तक शो मोर कॉन्टेंट तक मैं चाहती हूँ कि यहाँ से ये टेक्स्ट ब्रेक हो जाए। तो मैं जब ब्रेक के ऊपर क्लिक करूँगी देन यहाँ से फर्स्ट पे क्लिक करूँगी तो वो देखें हमारा जो टेक्स्ट था वो यहाँ पे सेकंड पेज के ऊपर आ गया, ठीक है। देन हमारे पास ऑप्शन आती है लाइन नंबर की। अब यहाँ पे ये पैराग्राफ है, आप चाहते हैं कि आपने इसको लाइन नंबर देना है, इसकी लाइन को नंबरिंग देनी है, तो आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से लाइन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। जब ये देखें ये लाइन नंबर, जब आप इस लाइन नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे एरो के ऊपर, ये जो आपको साइड पे एरो नज़र आ रहा है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मुख्तलिफ नीचे आपके पास ऑप्शन आ गई कॉन्टीन्यूस, रीस्टार्ट ईच पेज। आप इसके ऊपर जब कॉन्टीन्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसने 1 लाइन से लेके लास्ट लाइन तक आपको नंबरिंग दे दी, आपके पैराग्राफ की लाइन्स को नंबरिंग दे दी। तो ये लाइन नंबर का काम होता है। देन हमारे पास आता है इंडेंट। ये क्या होता है कि ये आपके टेक्स्ट को, आपके जो इंडेंट होता है, जो आपका लिखा हुआ होता है पैराग्राफ या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उसके टेक्स्ट को लेफ्ट या राइट मूव करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हमारा कर्सर है, जब मैं लेफ्ट के अपर कर्सर के ऊपर, अपर एरो के ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखिए जब मैं इस वाले के ऊपर क्लिक करूँगी तो देखें आप चेंजेस खुद देख सकते हैं। ये देखें टेक्स्ट जो है लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद जब मैं यहाँ से नीचे वाले एरो को, लोअर एरो को क्लिक करूँगी तो देखिए टेक्स्ट वापस अपनी जगह पे आ रहा है। उसके बाद इससे आपका टेक्स्ट स्क्वीज होके थोड़ा छोटा हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा। ये देखें यहाँ से मैं करती जा रही हूँ तो वो स्क्वीज होके उसकी लेंथ विड्थ कम होती जा रही है। जब यहाँ से मैं लोअर एरो प्रेस करूँगी तो ये देखें ऑटोमेटिकली वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है। तो यहाँ से टेक्स्ट स्क्वीज हो सकता है। देन यहाँ से ये जो स्पेसिंग आपको ऊपर नज़र आ रही है,
ये देखें, ये जो आपको ऊपर स्पेसिंग लिखी हुई नज़र आ रही है, यहाँ से आप अपने पैराग्राफ के बाद वाले और पहले जो है पैराग्राफ्स के स्पेस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्सर लाके ये देखें, जब मैंने यहाँ पे कर्सर लाई तो जब मैं बिफोर के ऊपर अपर एरो को क्लिक करूँगी तो वो देखें टेक्स्ट हमारा नीचे आ रहा है, यानी कि टेक्स्ट से पहले जो है वो स्पेस आ रही है। जब मैं यहाँ से लोअर एरो को प्रेस करूँगी तो ऑटोमेटिकली स्पेस कम होती जा रही है। आफ्टर यहाँ, यानी कि यहाँ पे टेक्स्ट के बाद वाले जो रो है उसकी बीच में जो स्पेस डालनी है हमने, तो हम इसको यहाँ से डालेंगे आफ्टर से। ये देखिए यहाँ से आपकी स्पेस बढ़ती जा रही है, जितनी भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कम भी कर सकते हैं जितना मर्जी। देन हमारे पास ऑप्शन आती है पोजीशन, रैप टेक्स्ट, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये देखिए ये ऑप्शंस आपको अभी नजर नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास यहाँ पे अभी मैंने कोई पिक्चर ऐड नहीं की हुई। पिक्चर कैसे ऐड करते हैं ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है, आप मेरे पिछले लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और यहाँ पे आपको ऊपर आई बटन में भी नज़र आ जाएगा। चलिए हम दोबारा से ऐड करते हैं पिक्चर। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में गई मैं, देन मैं कहती हूँ जिस डिवाइस में से मैंने कौन सी वाली पिक्चर ऐड करनी है, ये वाली। जब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो वो देखिए यहाँ पे हमारी ये पिक्चर ऐड हो गई है एंड ऑटोमेटिकली ये देखें पोजीशन और रैप टेक्स्ट की ऑप्शन जो है हमारे पास ओपन हो गई है, ये देखें, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, अब पोजीशन क्या होती है, जैसे आपका ये टेक्स्ट, ये पिक्चर है आपकी, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये पिक्चर आपकी बिल्कुल सेंटर में आ जाए पेज के, तो वो कैसे आएगी, पोजीशन से आएगी। ये देखें यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो आपके पास मुख्तलिफ ये ऑप्शंस ओपन हो गई, जिसमें ये सेंटर में आ जाएगी, ये लेफ्ट पे आ जाएगी, ये अपर सेंटर में, फिर ये राइट पे, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, लेआउट्स हैं पिक्चर की। आपने जो भी सिलेक्ट करनी होगी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ये वाली सिलेक्ट करती हूँ, तो देखें वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गई हमारी पिक्चर। देन अभी मैं ये पिक्चर मूव कर रही हूँ, देखें ऐसे ये मूव हो रही है इजीली, कहीं भी मैं इसको ले जा सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले आई, उसके बाद यहाँ पे जब मैं इन लाइन विद टेक्स्ट करूँगी तो हमारी पिक्चर मूव नहीं होगी, ये देखें नहीं हो रही ना मूव, क्योंकि मैंने जो कमांड ली है वो उस वजह से मूव नहीं हो रही। अब मैं जब रैप टेक्स्ट में जाके अगेन आपने कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, ये देखें यहाँ से जाके आप जब थ्रू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ये वाली, या आप इसमें से इस पूरे बॉक्स में से स्क्वायर से लेके ऑनवर्ड कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर मूव होगी। फॉर एग्जांपल अब देखें मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर सेलेक्ट किया है, तो देखें हमारी पिक्चर फिर से मूव होना स्टार्ट हो गई है, कहीं भी हम इसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिलेक्शन पैंग। ये देखिए ये वो, ये क्या होता है फंक्शन, इस फंक्शन के थ्रू आपके अगर एक से ज़्यादा पिक्चर्स होंगी आपके डॉक्यूमेंट में तो आप उसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। अभी मेरे पास इसके अंदर एक ही पिक्चर है, तो ये देखिए उसने अभी हमारे पिक्चर को खुद ब खुद ही पिक्चर नंबर 1 का नेम दे दिया है। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर को सर्च कर सकते हैं जो आपने बनाया हुआ होता है। उसके बाद हमारे पास आती है अलाइनमेंट। यहाँ पर जो मैं क्लिक करूँगी तो ये देखें आपको मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स नज़र आ रही हैं, ये देखें ये बॉक्स ओपन हो गया। देन हमारे पास ये मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले आती है अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, टॉप, मिडल, बॉटम, ये सारी मुख्तलिफ अलाइनमेंट्स हैं। अब मैं कहती हूँ कि मैंने यहाँ पे राइट करना है, तो वो देखें हमारी पिक्चर यहाँ पे राइट अलाइन में सेट हो गई। देन हमारे पास आती है ऑप्शन रोटेट की, इसके थ्रू आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अभी ये बिल्कुल सही है, देन मैं जब रोटेट 90 के एंगल पे करूँगी तो ये देखें ऐसी हो जाएगी, देन वर्टिकल तो ऐसी। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर की रोटेशन चेंज कर सकते हैं।
तो डियर व्यूअर्स, ये था मेरा आज का लेक्चर, छोटा सा था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो अगर आपने मुझसे कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सी या, बाय फॉर नाउ।